यहाँ आने के लिए इतने नखरे क्यों दिखा रही थी? बगल में शास्त्री जी रहते हैं ना, उनके घर के सारे लोग मुझे जानते हैं। मैं नहीं चाहती कि कोई मुझे यहाँ देखे। जब तूने शर्म ही बेच खाई तो फिर तुझे किस बात का डर? मैं आपको कैसे समझाऊं? वैसे तो मैं बहुत मामूली घर की लड़की हूँ, लेकिन कभी उनके यहाँ बहुत आना जाना था। बड़ा हंसता खेलता परिवार था, सब कुछ लुट गया बेचारों का। माँ पागल हो गई, शास्त्री जी मास्टरी से रिटायर हो गए, बस एक बेटी रह गई है पूजा, जो दिन रात अपने माँ बाप की सेवा में लगी रहती है। उनका एक जवान बेटा भी था, आप जानते हैं उसे। हरामजादी, मैं उसी को भूलने की कोशिश कर रहा हूँ और तू उसी को याद दिलाने पे तुली है। निकल जाए यहां से। ये ले अपने पैसे और दफा हो जाए यहां से। सुबह होते ही चली जाऊंगी, तब तक के लिए यहीं पड़े रहने दीजिए। चल जा, बाहर जाके सो। आउट। मेवराम आया साहब। जी साहब। मेवराम, वो गई क्या? वो तो सुबह होते ही नहाई धोई और नई होकर चली गई। वैसे साहब, लोग जो कहते हैं ठीक ही कहते हैं। क्या कहते हैं? यही कि वो रोज रात को नए घाट का पानी पीती है। तेरी तुम्हें? हाँ, गाली नहीं सरकार, हमसे गाली बर्दाश्त नहीं होती। और अगर गाली दिए बगैर आपका गुजारा नहीं होता तो दीजिए, मगर इतने सवेरे नहीं और किसी और के सामने नहीं साहब। ठीक है ठीक है, वो गई कैसे? तू रिक्शा विक्शा ले आया था? आज ही रिक्शा की जरूरत ही नहीं पड़ी, वो तो सामने के घर में गई है शास्त्री जी के। पहले यहाँ डांस सीखने आया करती थी, वो और पूजा दोनों पक्की सहेली थी। सीमा, सुबह सुबह कैसे आना हुआ? मैं मंदिर गई थी ना, सोचा मौसी का हाल भी पूछते हुए जाओ। बेटे, मेरे बेटे, मुझे छोड़ के कहाँ चला गया? पूजा, कहाँ चला गया? आजा। मौसी की हालत तो आजा अभी भी ठीक नहीं लग रही, क्या करे कुछ समझ में नहीं आता। मैं तुझे नहीं, कोई अस्पताल में भर्ती नहीं होती, खुला छोड़ दी तो चाकू छुरी उठा लेती है। शास्त्री जी कहाँ हैं? वकील के पास गए हैं। ये केस अभी तक खत्म नहीं हुआ? नहीं, जब तक मेरे भाई के हत्यारे को सजा नहीं मिलती ये केस कभी खत्म नहीं होगा। राजू, राजू, ये फिर आ गया, तूने इसको मना नहीं किया? उफ़ो दीदी, तुम तो खामखा इस बेचारे के पीछे पड़ गई हो, आखिर क्या खराबी है संजीव में? मैंने कह दिया ना, इसके साथ दोस्ती मत रख। अभी तो जाने दो ना दीदी, आखिर घर पे लेने आया है। ठीक है, आज तो जा, पर अगली बार इसके साथ गया तो मैं तुम्हारे साथ कभी बात नहीं करूंगी, समझे? थैंक यू। चल यार, कसम से यार, तू बहुत देर कर देता है। क्या बात है पूजा, तुम्हें राजू और संजीव की दोस्ती पसंद क्यों नहीं है? संजीव वो शरारती लड़का है, कभी स्ट्राइक करवाएगा, कभी मोर्चे में हिस्सा लेगा, बड़े बाप का बेटा है, अगर पकड़ा भी गया तो छूट जाएगा। मगर राजू, वो फंस गया तो हम क्या करेंगे? पूजा, पूजा, ये तुम्हारा, ये तुम्हारा। आई ला, फोन रे। चाहिए चिंटू। बोल डब्बू, ये वही था क्या? रे मेरा ख्याल वही था, तेरे क्या लगता है? जी मेरे को भी लगता है वही था, साले ने अपने को लेते दे तो देख लिया, मर गए, अभी जल्लाद छोड़ेगा नहीं। नाके पे चेकिंग कर रहे थे, कोई ट्रक पकड़ा? यस सर। हाँ, महीने के आखिरी दिन है, घर में तंगी हो जाती है,
तनख्वाह मिलने में अभी हफ्ता बाकी है। कितने मिले? कितने मिले? गलती हो गई सर, माफ करना। बाल बच्चेदार आदमी है ना। कितने बच्चे हैं तुम्हारे? 3 बच्चे हैं सर। नहीं, 3.5। नहीं, मेरा मतलब है सर, 3 बच्चे हैं और चौथा अंदर है सर, लॉकअप में। सर आप कुछ चाय पानी के लिए? देखो अब इस थाने का मैं इंचार्ज हूं, अगर सुन भी लिया कि किसी ने रिश्वत ली तो उसकी पेटी उतरवा दूंगा। दफा हो जाओ यहां से। यस सर। बिट्टू का ख्याल रखना। जी मैम साहब। साहब कैसे भी हमारी पेशी लगवा दीजिए। अरे भाई आपकी पेशी नहीं लग रही तो मैं क्या करूं, आप फीस भी तो वक्त से नहीं देते। अच्छा ठीक है, आप मेरे मुंशी से मिल लीजिए। जी साहब। सुनिए। क्या है? बिट्टू को हल्का सा बुखार है। बुखार है तो मैं क्या करूं, मैं कोई डॉक्टर हूं क्या? शाम को जब कॉलेज से वापस आओ तो खुद ही बिट्टू को डॉक्टर के पास ले जाना। और सुनो, वो डैडी को रुपयों के लिए लिख दिया तुमने, देर हो गई तो वो जमीन हमारे हाथ से निकल जाएगी। वो तो मेरे क्लाइंट की जमीन है इसलिए सस्ते दामों में मिल रही है। उनसे लिख देना कि 3 लाख रुपए फौरन भेज दें, बाकी का बंदोबस्त मैं कर लूंगा। आप खुद भी तो लिख के मंगवा सकते हो। क्यों, तुम्हें लिखते हुए तकलीफ होती है क्या? ठीक है मैं लिख दूंगा, आप खुद भी तो लिखकर मंगवा सकते हो। स्टॉप इट। पता चला आप घर पे आए थे मुझे पूछने। हाँ हाँ बैठिए। मेवर हम कह रहा था कोई जरूरी बात करनी थी आपको। हाँ एक सवाल कांटे की तरह मेरे मन में चुभता रहता है, उस दिन तुमसे अदालत में मिला तो भी पूछना चाहा, उस दिन यहां मिला तो भी मन किया मगर। हाँ कहिए क्या पूछना है। पिताजी आपने इस आदमी को इस घर में कैसे घुसने दिया? पूजा मैं चलता हूँ। जा मत, इसकी बात का बुरा ना मानो। जा जा, लेकिन बच के जाएगा कहाँ? कोई सबूत नहीं मिला इसलिए अदालत तुझे बरी कर सकती है, लेकिन एक बात याद रखना, ये बहन अपने भाई के हत्यारे को नहीं छोड़ेगी, कभी नहीं, कभी नहीं। अपनी बेटी से यही सब कुछ सुनवाने के लिए बुलवाया था मुझे। सुनिए, चमक कीजिए। पिताजी। पूजा चुप हो जाओ, मुझे 2 मिनट शांति से बात कर लेने दो, अगर नहीं सुन सकती तो अंदर चले जाओ। मुझ पे कृपा करो भाई, वैसे तो मुर्दा शरीर को कैसे भी ठिकाने लगा दो, चाहे चिता पे रख के जला दो चाहे मिट्टी में गाड़ दो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर मरने वाले के सगे संबंधी अगर उसका क्रियाकर्म ना करे तो उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती। मुझे अपने बेटे का क्रियाकर्म कर लेने दो भाई, नहीं तो उसकी आत्मा भटकती फिरेगी। मुझे मुझे बस इतना बता दो तुमने उसका शरीर कहाँ ठिकाने लगाया। मुझे नहीं मालूम। कुछ नहीं तो उसके शरीर के कुछ फूल एक आस्ती के ही दर्शन कर लेने दो, मैं तुम्हारे पांव पड़ता हूँ, दया करो इस ब्राह्मण बाप पर। मैंने कहा ना मुझे नहीं मालूम। देखो मेरा श्राप लगेगा तुम पर, सर्वनाश हो जाएगा तुम्हारा और तुम्हारे सब परिवार का, मेरी तरह तुम्हारी आत्मा भी छटपटाती रहेगी। मैं नहीं जानता तुम्हारे बेटे का शरीर कहाँ है, मैंने उसकी हत्या नहीं की, नहीं की, नहीं की। बग्गा यहां तुम्हारे आराम के मैंने सब इंतजाम कर दिए हैं, अब तो खुश हो जाओ। क्या सारी जिंदगी इधर रखने का इरादा है क्या? देखो मिस्टर कॉल, अभी तक मैं सिर्फ एक मर्डर केस से बचा हूँ, और तुम अच्छी तरह से जानते हो कि सारे हिंदुस्तान में मेरे ऊपर इससे भी बड़े बड़े केस हैं, हर स्टेट की पुलिस मेरे पीछे पड़ी हुई है। अगर मैं यहाँ से फौरन फरार नहीं हुआ तो फांसी का फंदा मेरी गर्दन तक पहुंच जाएगा। आई नो। नो यू डोंट नो। अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम ऊंची नाक वाले नहीं बच सकोगे।
तुम सबका काला चिट्ठा मेरे पास मौजूद है सबूत समेत। इसीलिए मैं कहता हूं कि इस धोखे में मत रहना कि मेरे मरने के बाद तुम सब लोग बच सकोगे। नहीं, मेरी लाश ठंडी होने से पहले वो सब सबूत पुलिस तक पहुंच जाएंगे, और सिर्फ सीमेंट के नहीं, गोल्ड, सिल्वर, ड्रग्स, इन सब के सबूत। तुम्हें कुछ नहीं होगा बग्गा, ये मेरी गारंटी है। गारंटी मत दो, मुझे यहां से बाहर निकालने का बंदोबस्त करो फौरन। दरअसल मैं चाहता हूं कि जेल से छूटते ही बग्गा को किसी दूसरे मुल्क भेज दिया जाए। यहां रहेगा तो गले में कांटे की तरह चुभता रहेगा। आप सही कहते हैं जनाब, सबसे पहले उसे जेल से निकालिए फौरन, क्योंकि अगर दूसरे केस खुल गए तो फिर जान छुड़ाना मुश्किल हो जाएगा। चिंता नहीं, जेल से तो उसे यशपाल जी छुड़ा लेंगे अकल को छूकर, लेकिन जेल से निकालने के बाद उसे रखेंगे कहां, चिंता इस बात की है। ये तो आप सोचिए। कौल साहब, सोचना हमारा नहीं आपका काम है। आप जो फीस चार्ज करते हैं हमसे, वो सिर्फ अदालती कार्रवाई की नहीं हो सकती। कोई ऐसी जगह सोचिए जहां पुलिस के कुत्ते भी ना पहुंच सके। आइए पंडित जी।